नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कोट, जो केएनआरटी विधानसभा क्षेत्र जिला फरीदाबाद का हिस्सा है। यहां से हम जानेंगे कि बुजुर्ग बैठे हुए हुक्का पर अब की बार कौन होगा सरपंच और कैसा होगा सरपंच गांव कोट का, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चाचा, अपने परिचय के साथ बताना, कैसा सरपंच चाहिए आपको? बढ़िया सरपंच चाहिए जी, जो बढ़िया काम करे। कौन होगा आपका सरपंच? कैसा? एक एक काम बताते रहे साहब अपना, कैसा चाहिए? बढ़िया सरपंच है जी, केसर सरपंच चाहिए हमें तो जी। चाचा, कैसा सरपंच चाहिए आपको? अरे कैसा सरपंच चाहिए, कौन चाहिए? बढ़िया चाहिए, केसर। आप ये बताएं, जो आने वाला सरपंच होगा उससे क्या चाहते हैं आप? हमें आने वाला सरपंच जैसा पिछला सरपंच, पिछली योजना में बना ऐसा सरपंच चाहिए। गली गली सारे पक्के काम कराए, स्कूल को काम कराया, गाँव में पूरे में पानी घर घर पहुँचाया, और आज तक 5 साल में कोई केस नहीं होने दिए, थाने में कोई बंदा जान नहीं दिया हमें। ऐसा पूरे 5 साल में गांव से कोई केस कोई नहीं हुआ। केस नहीं है जी, ऐसा सरपंच चाहिए हमें। आप बताएं। बढ़िया सरपंच है जी, केसर चाहिए। गांव के हित और विकास के लिए केसर सरपंच से बढ़िया कोई बंदा नहीं, और सरपंच केसर चाहिए। केसर सरपंच चाहिए हमें, बस सबको केसर ही चाहिए, विकास नहीं चाहिए अपने गाँव का। तो चाहिए मतलब बदले में, देखो सुनो, केसर को आप चुनेंगे अच्छी बात है, बदले में कुछ तो चाहते होंगे कि भाई हमारी नाली बन जाए, हमारी सड़क बन जाए, हमारे यहाँ पानी लग जाए, कुछ तो होगा। हमारे गांव में जी बहुत अच्छे काम हुए हैं 5 साल में, और केसर ने अच्छे काम किए हैं, रास्ता बनवाए हैं, पानी भी दिए है, बिजली दी है, काहे की कुछ भी समस्या आई है गाँव बस्ती में सबकी में हाजिर खड़े रहता है, विकास किया है। और आगे भी अगर हमें तो ऐसा सरपंच चाहिए जो विकास करे, बढ़िया चाहिए। ऐसा इसने जैसे इसने किए हैं, हमको तो इससे अच्छा कोई सरपंच लगता नहीं। आप ठीक है जी, हम भी यही कह रहे हैं केसर होना चाहिए। केसर सरपंच एक ऐसा सरपंच है, उसके पास 10 साल का बच्चा आ जाओ वो तुरंत उठ कर चलेगा। हाँ, वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता किसी में भी। और कोई देखो, कैसा सरपंच चाहिए आपको? हमें सरपंच जो चाहिए, हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो गांव के और गांव के लोगों की भलाई के लिए हो। जैसे कि पिछले हमने 5 साल की योजना जो देखी है, केसर सरपंच की हमने देखी है, और पिछले भी हमने भी देखी है, उनके आप सही पीछे आ जाओ ना, उनके उनको देखते हुए केसर सरपंच ने बिना कोई पक्षपात या पार्टीबाजी की सरपंची की है। गांव के जो छोटे मोटे से काम लेके, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे गली गिराने का काम हो, चाहे जहां पानी स्टोरेज का काम हो, बहुत ऐसे काम उन्होंने करवाए हैं। अभी एक सबसे पहले जो बहुत बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ रहा है रास्ते का, वो रास्ता है मांगर से कोट जाने वाला जी, उन्होंने बहुत प्रयास करे है, हमने देखा है। जैसे कि केसर सरपंच ने यहाँ प्रयास करे है और इतना उन्होंने झेला है कि मांगर से कोट का रास्ता बन गया क्या? भी नहीं बना। मांगर से कोट का रास्ता करीब करीब 60% बन चुका है, और आज भी उसमें थोड़ा काम चल रहा है, और हमें भी आगे भी वो चाहिए क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है वो यही है जाने के लिए। और कोई भाई कोई बताना चाहे बता दो, आ जाओ स्टेडियम को भी। अच्छा, एक बार हाथ उठा करके बताएं कि केसर सरपंच के साथ कौन है, सीधे सीधे तौर पर। देखिए हाथ उठा करके सभी, तो हम एक तरीके से हाथ उठा करके सबसे पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी ने हाथ उठा करके कहा कि केसर सरपंच चाहिए, क्योंकि केसर सरपंच ने पहले भी काम कराए। आ जाओ भाई साहब, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। केसर सरपंच अब की बार क्यों? देखो जी, पिछली बार भी उन्होंने, भाई मेरा नाम अशोक है, कोटगांव से जी। पिछली बार उन्होंने जो काम किया है सरपंची, उन्होंने गांव के लिए किया, अपने लिए नहीं किया कुछ भी। जैसे कि गांव में कोई किसी का पर्सनल काम है या गांव का काम है, उसने कभी ये नहीं बोला तू किसी और को लेकर, तेरा काम जब होगा जी। सबसे अच्छा फायदा ये होता है पब्लिक के लिए कि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं गलत आदमी हूँ, मेरा काम फिर भी हो रहा है, तो उससे ज़्यादा फायदा कहीं नहीं है। दूसरी बात, गांव में किसी की भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हुआ है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि तू पार्टीबाजी कर, ये तेरा हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, अपना जो काम है उन्होंने वो किया है, चाहे किसी का हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कुछ भी किया है। अब लोग बाग उसकी बुराई करें या इंटरफेयर करें उस चीज़ में, वो गलत है। जो बस्ती का हकीकत पॉइंट बनता है ना, वो पिछली 5 साल में अपने तन मन धन से बता दे, अगर गलत है तो उसको हम बिठा देंगे, चाहे हम उसके पांव खेल पकड़े। खेल के लिए कोई सुविधा है आपके गाँव में? ये तो होना चाहिए। तो खेल के लिए किसी ने भी नहीं रखी, जबकि युवा खड़े हैं सभी।
अभी नंबर आएगा। अपने परिचय के साथ। मेरा नाम देवी मावी है, गांव कोट से। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं गांव में जो पिछली 5 साल में काम किए उनसे भी डबल काम हो। सबसे पहले हमारा स्कूल अपडेट हो 8वीं तक, हमने ये मांग सरकार से रख रखी है। और दूसरा हमारा स्टेडियम की जमीन, हमारी पंचायत जमीन है, उसको छुड़वाएंगे, उसमें हम स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। सबसे पहले परिवार से हैं क्या? हाँ, नज़दीकी हूँ मैं परिवार से। हाँ, कुणबा से। और कोई भाई बताओ, आ जाओ आगे, आ जाओ यार। बस किसी, देखिए ऐसी बातें बताओ, शिक्षा की बताई इन्होंने, युवाओं के लिए स्टेडियम की बताई। आ जाओ। हमारे जो यह स्कूल अभी ये 5वीं तक का है, अपग्रेड के लिए दे भी रखा है। और आने वाले हम सरपंच से, केसर भाई से हम कहेंगे, और मतलब लोगों की मांग है ये कि हमारा स्कूल 8वीं 10वीं तक हो, जाके हमारे गांव के स्कूल की जो बहन बेटियां हैं या छोटे बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी परिवार है जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं भर सकते, उनका इतना गुजारा नहीं है कि उतना फ़ीस भरे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल है, अपग्रेड हो। अपग्रेड के साथ साथ में हमें जैसे खेल कूद के लिए स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम भी होना चाहिए। और जो मेरा मांगर का रास्ता मैंने बताई दिया है कि हम इसकी यही भी एक हमारी मांग है। और आगे जहाँ भी हो हमें ऐसा चाहिए जो कि खेल से कूद से और उसके लिए काम है जो हम करवाने।